अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में आज दोपहर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या राम मंदिर पूरी तरह सजकर तैयार है। राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से राम भक्तों द्वारा किए गए दान से ही हुआ है। राम मंदिर के निर्माण में किसी भी सरकारों ने एक भी पैसा नहीं दिया है। ये पूरी तरह से भक्तों के पैसों पर बना मंदिर है। राम मंदिर के निर्माण के लिए दानवीरों की लिस्ट बड़ी लंबी है, मगर एक शख्स ऐसा है जिसने दान देने के मामले में बड़े बड़े पैसों वालों को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किसने राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा चंदा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सूरत में बड़े हीरे कारोबारियों में से एक दिलीप कुमार वी लाखी के परिवार ने 101 किलो सोना दान किया है, जिसका इस्तेमाल अयोध्या राम मंदिर के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने में किया जाएगा। ये दान राम मंदिर ट्रस्ट को अब तक मिला सबसे बड़ा दान है। इन 101 किलो सोने का उपयोग राम मंदिर के दरवाजे, गर्भगृह, त्रिशूल, डमरू और स्तंभों को चमकाने के लिए किया जा रहा है। गर्भगृह के द्वार के साथ साथ मंदिर के भूतल पर 14 स्वर्ण द्वार भी स्थापित किए गए हैं। मौजूदा वक्त में सोने की कीमत करीब 68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इस तरह से देखा जाए तो 1 किलो सोने की कीमत करीब 68 लाख रुपए हुई और कुल 101 किलो सोने की कीमत करीब 68 करोड़ रुपए हुई। इस तरह से लाखी परिवार ने राम मंदिर को सबसे ज्यादा दान किया है। राम मंदिर को दूसरा सबसे बड़े दान देने वाले में कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू का नाम है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए 11.3 करोड़ रुपए का दान किया है। राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। राम मंदिर को दान देने के मामले में देश और दुनिया के मंदिरों में सबसे अधिक दान देने वालों में पटना का महावीर मंदिर टॉप पर है। पटना के महावीर मंदिर ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में 10 करोड़ रुपए का दान दिया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल ने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही महावीर मंदिर की ओर से राम मंदिर निर्माण में 10 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की थी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।